मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, मुझे घर में खूबसूरत फ्लोर कार्पेट्स रखने का बहुत शौक है। वेल, मैं आपको देना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्लोर कार्पेट्स के बारे में आज। फ्लोर कार्पेट्स और रग्स वही अपने घर में रखें जो आपको पसंद हो। इस तरह अपने घर को आप अपने लिए एक प्लेजेंट प्लेस बना सकती हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में जो मेरा पसंदीदा फ्लोर कार्पेट है वो ये वाला है। वैसे तो शायद ये इतना पायदार नहीं है लेकिन मुझे बस पसंद है और ये मेरे इंटीरियर के इस रूम के कलर के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा था, तो मैंने इसमें ये वाला फ्लोर कार्पेट डाला और साथ में ये वाला भी। और इसी में का ये रेड फ्लोर कार्पेट भी है। ये वाला लिविंग रूम तो आप मेरी अक्सर वीडियोस में देखते ही रहते हैं, ये भी मुझे पसंद है, तो मैंने सोचा इसका क्लिप भी आपको यहाँ दिखा दूं। ऑब्वियसली आपके फ्लोर मैट्स, आपके फर्नीचर, वॉल्स और आपके फ्लोर के कलर से कंट्रास्ट या मिक्स एंड मैच हो, जैसा भी आपको पसंद है या जो भी आपका इंटीरियर आइडिया है, ये खुद आप पर डिपेंड करता है। कोई आपको कुछ भी कहे कि आपका इंटीरियर अच्छा नहीं है, ये है वो है, आपने किसी की नहीं सुननी है, आपने करना वही है जो आपको पसंद है। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मैनर्स नहीं होते और वो मदाखलत करते हैं। अच्छी क्वालिटी का पायदार ड्यूरेबल कार्पेट लेने के लिए आपको फ्लोर कार्पेट की डेंसिटी चेक करनी होगी, यानी कि उसमें कौन सा फाइबर कितनी मकदार में मौजूद है। नायलॉन मटेरियल का कार्पेट अगर आप लेंगे तो ये बहुत ड्यूरेबल होता है, पायदार, और इसके फाइबर बहुत नरम होते हैं। दाग धब्बों से और रगड़ वगैरह अगर लगे तो उससे भी महफूज रहते हैं। नायलॉन के कार्पेट को अगर आप धोएं तो ये सूखता भी जल्दी है, इसलिए आप इसको बाथरूम और बाहर के हिस्से में रख सकते हैं। इसकी सफाई और देखभाल आसान है, आसानी से आप इस पर डाई यानी कि रंग भी कर सकते हैं। लचकदारी होने की वजह से आप इसमें वजन भी रख सकते हैं और इसका शेप खराब नहीं होगा, तो आप इस पर फर्नीचर भी रख सकते हैं। और ये ऊन के कार्पेट के मुकाबले में सस्ता होता है, लेकिन पॉलीप्रोपिलेन और पॉलिस्टर के मटेरियल के कार्पेट के मुकाबले में महंगा होता है। फ्रेंड्स, अगर आपका बजट कम है तो पॉलीप्रोपिलेन या जिसे हम ओलेफिन भी कहते हैं, ये मटेरियल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये ऊन से मिलता जुलता मटेरियल होता है, तो अगर आप नेचुरल ऊन या वूल इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो ये उसका अल्टरनेटिव हो सकता है। इसको घर के इंडोर और आउटडोर दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पायदार होता है और सूरज की रोशनी से फेड या धुंधला नहीं होता। ऑर्गेनिक या असली फाइबर्स के वूल कार्पेट के मुकाबले में इस कार्पेट की देखभाल आसान है। इसे बाथरूम और स्विमिंग पूल एरिया में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें मॉइस्चर यानी नमी और फफूंदी वगैरह नहीं लगती। आसानी से इसे साफ किया जा सकता है और दाग धब्बे भी इसमें इतनी आसानी से नहीं लगते। जिन घरों में जानवर हैं या बच्चे वगैरह हैं, वो इस मटेरियल का कारपेट अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर के वो हिस्से जो ज्यादा आपके इस्तेमाल में रहते हैं या जहां आप लोग ज्यादा उठते बैठते हैं, जैसे लिविंग रूम एरियाज वगैरह हो गए, तो वहां आप ये कारपेट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन कारपेट्स में तेल के दाग धब्बे लग सकते हैं, गंदगी लग सकती है, स्क्रैचेस पड़ सकते हैं यानी कि खरोश आ सकती है। इस पे कोई भारी चीज रखें तो ये कुचले हुए भी हो सकते हैं, यानी कि ये चपटे पड़ सकते हैं, मैटिंग हो सकती है इनमें। और ये बहुत जरूरी है कि इन कार्पेट्स की कटाई बहुत सही से की गई हो। फ्रेंड्स, पॉलिस्टर फाइबर के कार्पेट किसी नेचुरल फाइबर के कार्पेट के मुकाबले में सस्ते पड़ते हैं। ये दाग धब्बों से महफूज रहते हैं, इनकी रंगत, डिजाइन, पैटर्न वगैरह फेड नहीं होता। पॉलिस्टर के फाइबर ऊन की तरह नजर आते हैं। इसमें जो नायलॉन के फाइबर इस्तेमाल होते हैं तो उनकी वजह से दूसरे सिंथेटिक कालीनों के मुकाबले में इसकी रंगत मांद नहीं पड़ती। पॉलिस्टर का कारपेट भारी फर्नीचर रखने से चपटा पड़ जाता है, इसलिए इसे किसी ऐसी जगह पर ना बिछाएं जहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना है। और अगर इस पर तेल वगैरह के दाग लग जाएं तो ये दाग भी हटाना इसमें बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह एक्रेलिक कारपेट के फाइबर भी ज्यादा पायदार नहीं होते, तो एक्रेलिक कारपेट को भी आप घर के ज्यादा क्राउडी एरिया में नहीं रख सकते, लेकिन इसकी कीमत कम होती है। फ्रेंड्स, एक्रेलिक कारपेट को सिंथेटिक वूल यानी कि मसनूई ऊन या मैन मेड वूल यानी कि इंसानी साख्ता ऊन के तौर पे भी जाना जाता है। इसको आप ऊन के कारपेट का सस्ता मुतबादल भी कह सकते हैं। इसमें नमी और दाग नहीं पड़ते, ये सनलाइट को लंबे अरसे तक झेल सकता है, इसलिए इसका रंग भी बरकरार रहता है। और हाँ, अगर इस पर कोई केमिकल वगैरह गिर जाए तो इसका रंग ब्राउन होने लगेगा। नरम और आरामदेह लग्जरी फ्लोरिंग के लिए ऊन के कारपेट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नाजुक है, डेलिकेट है, लेकिन नेचुरल है।
लग्जरी है लेकिन पायदार और ड्यूरेबल है। फ्रेंड्स, एक प्योर खालिस ऊन का कालीन मैन मेड होता है, हाथों से बनाया जाता है। इसमें केमिकल्स या कोई भी इजाफी अशिया नहीं मिलाई जाती है। तो जिन लोगों को केमिकल्स वगैरह से एलर्जी हो जाती है, उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज है ये। लेकिन क्योंकि ये नेचुरल फाइबर है तो ये सड़ सकता है और फफूंदी लगने से ये फट भी सकता है। तो ये एक ऐसे मौसम वाले इलाकों के लिए ठीक नहीं है जहाँ पर नमी है, रतूबत है, बारिशें हैं। ऊन के फाइबर वाले कारपेट्स को, मसनूई फाइबर वाले कारपेट्स जैसा कि एक्रिलिक फाइबर हो गए, इनके साथ मिलाकर भी बनाया जाता है। सजावट के लिए ये कारपेट्स पायदार हैं, इको फ्रेंडली हैं, यानी कि माहौल दोस्त हैं। फ्लेम एंड स्टेन रेजिस्टेंट, यानी कि शोला और दाग मजाहिम है। अब अगर हम चमड़े या लेदर कारपेट की बात करें तो ये वाले कारपेट कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते। लेदर को वूल या ऊन के साथ मिलाया जाता है, लेदर के साथ कॉम्बिनेशन बनाया जाता है या विस्कोस के कॉम्बिनेशन के साथ भी ये कारपेट तैयार किया जाता है। आप अपना इंटीरियर ट्रेडिशनल विंटेज स्टाइल में करना चाहते हैं या फिर मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल में, दोनों ही सूरतों में लेदर कारपेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने कारपेट के ऊपर रग बिछाना चाहते हैं तो नीचे लेदर कारपेट एक पायदार और ड्यूरेबल ऑप्शन है। जहां ज्यादा लोगों का आना जाना है, जैसे कि लिविंग रूम है या डाइनिंग रूम है या फिर आपका ड्राइंग रूम भी हो गया जहाँ मेहमान आते हैं, तो वहां भी आप लेदर कारपेट डाल सकते हैं और ऊपर से रग बिछा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखें, ये आपको पानदान लग रहा होगा लेकिन ये कोई पानदान नहीं है, इसको कहते हैं मतबकिया। ये सऊदी अरेबिया का एक ट्रेडिशनल रिवायती बर्तन है। और रिवायत क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। असल में ये एक पुरानी सकाफती रिवायत का हिस्सा था कि मतबकिया में खाना डालकर पड़ोस में भेजा जाता था और बदले में पड़ोसी ने भी जो कुछ बनाया होता था वो उसमें वो खाना डालकर इस मतबकिया को बंद करके वापस पड़ोसी को भेज देता था। रिवायती तौर पर मतबकिया कभी खाली वापस नहीं की जाती थी। समाजी मेल मिलाप की मजबूती की ये एक बहुत खूबसूरत रिवायत थी जो अब हमें नजर नहीं आती। अब यहाँ लोगों के किचन में मतबकिया मौजूद नजर नहीं आती। सऊदी अरेबिया के बड़े शहरों में तो अब रेस्टोरेंट्स की भरमार है, तो अब ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ पर खाना बनाने की ही किचन में रिवायत खत्म ना हो जाए। एनीवेज, मैं आपको एक रेस्टोरेंट में जरूर लेकर चलती हूँ जहाँ मैं गई थी। एक्चुअली वो इंडोनेशियन रेस्टोरेंट था और इंडोनेशिया की रिवायत वहां पर पता चली, बहुत अच्छा लगा। आप भी देखिए। जनाब, जब मामला हो खाने का तो ब्राउनी भी क्यों पीछे हटे। तो जनाब, ब्राउनी साहब यहाँ कर क्या रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं खाने को। इन्होंने ये खाना वाना कुछ नहीं है, इन्होंने बस यहाँ बैठकर खाने को ताकना है जो वो कर रहे हैं। हमारे घर में जो बाकी बिल्लियां हैं उनको ट्रीट्स दो तो वो बड़े शौक से वो खाती हैं, लेकिन ब्राउनी को तो वो बिल्लियों की ट्रीट्स भी पसंद नहीं है। ब्राउनी अपना स्पेसिफिक खाना खाता है और वो भी उसको ज्यादा खाना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ ताकना जरूर पसंद है। देखिए, ऊंची सी जगह पर जाकर बैठ जाना और दूर दूर से खाने को बस देखना, और ना सिर्फ खाने को देखना बल्कि हमें खाना खाते हुए भी देखना, यही है इनकी हॉबी। वैसे ब्राउनी एक डिसिप्लिन्ड कैट है, वो कभी खाने पर छलांगे नहीं लगाता जैसे जंगली बिल्लियां करती हैं। नहीं, ये वैसे नहीं करता। और जनाब, ये देखिए प्यारी प्यारी अंगूठियां, मुझे व्हाइट गोल्ड में कलरफुल से स्टोन्स लगे हुए पसंद हैं। लेकिन हाँ, गोल्ड ना भी हो बस डिजाइन खूबसूरत हो तो मुझे कुछ भी पहन लेना अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि वो गोल्ड हो, लेकिन बास खावतीन को, बल्कि यूं कह लें कि ज्यादातर खावतीन को गोल्ड पसंद है और इस तरह के जो डिजाइन है जो कि गोल्ड में आते हैं वो खावतीन बहुत शौक से पहनती है। तो मैंने सोचा यहाँ पर आपके साथ शेयर करूं और साथ में ये ड्रेसेस भी देखते जाइए हर कलर में। और आपने बताना है कि आपको कौन सा वाला कलर पसंद है, और ये भारी काम के ड्रेसेस हैं, आपको कौन सा पसंद आया जरूर बताइएगा। और मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी यूजफुल सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, मा अस्सलामा, बाय बाय।